गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो यहाँ पर सब्ज़ी चॉपिंग वगैरह मैंने कर दिया है क्योंकि ये बिहार में आलू बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे गाइस, और इस टाइम पे अभी आलू का पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा खाने का दिल करता है क्योंकि अभी ठंड इतनी ज़्यादा ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक और सिर्फ हम लोग को आलू ही आलू नज़र आ रहे हैं और आलू काफ़ी काम तो रहा बिल्कुल ठप बैठा, तो सिर्फ हम लोग खा रहे हैं और बना रहे हैं। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज को फ्राई, और फ्राई कर रही हूँ आलू, आलू का जो पेस्ट है ना वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्याज, अनियन और अभी फ़िलहाल मिल रहे हैं सग्गा लहसुन, जो बिहार में बोला जाता है ग्रीन लहसुन। तो यहाँ पे ग्रीन लहसुन का मैं आलू का पराठा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, तो इसलिए वो वाला अभी इस टाइम पे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा मैं ब्राउन कर लूँगी अनियन को, और फिर यहाँ पे हम मेरे आलू भी हो चुके थे और उसको मैंने मैश कर लिया, मैश करके फ्राई हल्का सा कर लिया, बाकी सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए जो कि आलू के पराठे में सिंपल ही पराठे में बनते हैं। तो यहाँ देखिए आलू की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है गाइस, और ये जो मैं लंच में तैयार कर रही हूँ, ना कि ब्रेकफास्ट, लंच में आलू का पराठा बन रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉग बिहार में हो रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पराठे वगैरह ही हम लोग खा सकते, चावल तो बिल्कुल ही कई दिनों से हम लोगों ने खाया नहीं था। तो बस यहाँ पर मेरा आलू का पराठा रेडी हो चुका था और मैं ये बटर पेस्ट भी जिसे बोलते हैं ना आलू का, वो मैं रेडी कर चुकी थी और यहाँ पर सारे मसाले मैं ऐड कर रही थी। बहुत ही सिंपल से मसाले थे गाइस, जैसा कि नॉर्मली है सबके घरों में बनता है। और यहाँ पे सग्गा लहसुन है, धनिया है, और यहाँ पे मेरे पराठे बनने स्टार्ट हो गए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे, इसलिए क्योंकि सग्गा लहसुन था ना, वो इससे पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो हमारा आज का लंच तो बस पराठे से ही काम चल गया क्योंकि चावल वगैरह तो हम लोग नहीं खाते बिहार में, ठंड के टाइम पर बहुत ही कम बनता है क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ठंड भी हो रही है और फॉग भी ज़्यादा हो रही है। और आलू बहुत ज़्यादा सस्ते है गाइस, क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा की पूछ मत, में भी सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आलू ही चल रहे हैं। तो कोई नहीं, बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं ठंड में, और आज मैं बहुत ही स्पेशल सा ब्लॉग आप लोग के लिए साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मूली वगैरह काट रही हूँ क्योंकि मूली भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, खाने के लिए, तो सैलेड की तरह हम लोग मूली को इस्तेमाल करते हैं। और इस टाइम के मूली जो होते हैं ना काफ़ी मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं इस टाइम के मूली। तो ठंड में काफ़ी चीज़ हम लोग को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सस्ती भी, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो बस यहाँ पर प्लेट सबका रेडी हो रहा है और सब लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पराठे निकाल रही हूँ और सब लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी जो भी है वीडियो शूट कर रही है वही कर रही थी, और ये देखिए काफ़ी अच्छा थोड़ा तो गाइस आलू का पराठा तो लंच वगैरह में हो चुका था और ये मैं रात की तैयारी कर रही थी, रात डिनर में मैं बना रही थी चूल्हे पर खाना। और ये देखो बिल्कुल लकड़ी वगैरह क्या है ना गाइस की है ना, ठंड में ऐसे चूल्हा मैं जलाती हूँ लकड़ी। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं कुकिंग वगैरह भी कर लूँ, और आप यकीन नहीं करोगे फर्स्ट टाइम मैंने कुकिंग किया है बिल्कुल चूल्हे पे जैसे भी एडजस्ट करके। और यहाँ पर मैंने एग बॉयल किया और मिल्क भी बॉयल कर लिया, और यहाँ देखिए मैं आटा गूंद रही थी क्योंकि मैं रोटी भी इसी पे बनाने वाली थी, सब्ज़ी वगैरह बनी हुई थी। तो बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कुकिंग करके यहाँ पे, जैसे क्या ही बताऊँ, इतनी जल्दी जल्दी पराठे रोटी बन रही थी ना, बहुत ही जल्दी मिल्क भी उबल गया। यहाँ देखिए बिल्कुल आराम से मैं कुकिंग कर रही हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी आग कम हो गई थी और रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस। तो फर्स्ट टाइम मैं पहली बार मतलब कि इस टाइप के चूल्हे पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए मुझे लग रहा था कहीं ना मेरा जो गैस है ना ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं रोटी इसी पे बना लूँ। तो बस बिल्कुल आराम से मैं बना रही थी और यकीन नहीं करोगे गाइस काफ़ी जल्दी मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई, देख लीजिए, और बहुत अच्छी कुकिंग की मैंने, बहुत सारा काम इस पर कर लिया, आई मीन दूध मिल्क बॉयल किया, अंडा उबाले और चाय भी मैंने इसी पर रेडी किया गाइस। बहुत ज़्यादा मज़ा आया कुकिंग करके, तो फर्स्ट टाइम चूल्हे पर कुकिंग, देखिए चूल्हा भी नहीं है मेरा, जुगाड़ू टाइप का चूल्हा है,
तो जुगाड़ू मैंने चूल्हा बनाया था स्टैंड, और यहाँ पर आग थोड़ी सी कम हो गई थी तो मेरा बेटा यहाँ पर फूक रहा था, तो बस उसने आग जलाई, वही आग जला रहा था क्योंकि मुझे उतना नहीं आता है आग वगैरह जलाना, तो वो आग जला रहा था और मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस कुकिंग करके, और नया एक्सपीरियंस भी लगा कि चूल्हे पर खाना बनाना कितना ईजी तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और धुएँ की वजह से यहाँ पर वीडियो वगैरह भी साफ़ नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप लेने की कोशिश की। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बार बार बुझ रहा था, मतलब कि आग कम हो रही थी तो यहाँ पर मेरा बेटा आकर जला रहा था, और बहुत अच्छी कुकिंग हुई हमारी। रात की साड़ी जितने भी खाने की तैयारी होती है ना, सब मैंने इसी पर कर लिया था, और हम लोग को ठंड भी नहीं लग रही थी क्योंकि हम लोग ठंड में थोड़ा सा आग जलाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आग के साथ साथ कुकिंग भी किया जाए, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे साथ, मैंने कभी भी इस तरह की कुकिंग नहीं की है, और बच्चे भी काफ़ी हैरान हो रहे थे कि मम्मी किस तरह से रोटी बना रही हैं, बट रोटी वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। और यहाँ देखिए मेरे बच्चे कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। तो आई होप गाइस मेरा ये वीडियो पसंद आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग गाइस। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा ये था, आई मीन आज हम लोग खाना बना रहे थे चूल्हे पे, बहुत दिल कर रहा था चूल्हे का रोटी वगैरह बनाने का, अच्छा लग रहा था क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है और चूल्हे पे सब कुछ काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, उसका खाना ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। और ये देखिए मेरी आँखों से कितना आंसू बह रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं है इसी की वजह से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आज खाना बनाने बहुत ही मज़ा आया, और आज खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो कभी कभी हम लोग को शहर, जो हम लोग पटना में शहर में रहते गैस पे खाना बनाते, तो कभी कभी हम लोग को चूल्हे पर भी खाना बनाना चाहिए। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम था, मैं पहली बार चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था क्योंकि बिल्कुल ही आँख से आँसू निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी गाइस, बहुत ज़्यादा ही मिले। और मेरे बाल देख लीजिए किस तरह से हैं। तो रोटी वगैरह कंप्लीट हो गया है, और मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना गाइस। तो ये देखिए बिल्कुल ही धुआं धुआं हो रहा है। मम्मी ये ना बना।